तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं वेजिटेबल जूस बनाने के लिए हमें किन किन वेजिटेबल्स की जरूरत है। वेजिटेबल जूस जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए एंड ओवरऑल बॉडी के लिए भी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आप वेजिटेबल जूस को पी सकते हैं, डिटॉक्स की तरीके से काम आता है एंड आपके डाइजेशन को भी काफी अच्छा करता है और इसके अंदर बहुत मात्रा में हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आइए देखते हैं वेजिटेबल जूस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। वेजिटेबल जूस बनाने के लिए मैंने लिया है बीटरूट। बीटरूट के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए, B6 और सी और सॉल्युबल फाइबर्स पाए जाते हैं और साथ में ये हीमोग्लोबिन के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेंट लेवल काफी ज्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज बीटरूट लिया है, एक आंवला लिया है। आंवला की जैसे कि आपको पता है कि विटामिन सी का राजा है, किंग कहलाता है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए काफी अच्छा है और इनकेस अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपके हेयर फॉल को भी रोक देता है। दो मीडियम साइज गाजर लिए। गाजर के अंदर विटामिन ए, के, सी, B1, B2, B3, B6, सॉल्युबल फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें हमारी कैरेट में होती है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। पुदीना लिया है, 1 इंच अदरक लिए जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है और खीरा लिया है। खीरे में पानी का जो कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना हो, भरपूर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हमारे अगर हेयर फॉल हो रहे हैं उनको भी ये बचाता है और हमारे जो रिसीडिंग हेयर होते हैं, जो हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर हमारे बालों में दिक्कत हो रही है, कभी डैंड्रफ हो रहा है, कभी कुछ होता है, उन सारी चीजों को भी ये स्टॉप करता है। तो अब आइए देखते हैं वेजिटेबल जूस को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जूसर लिया है, जूसर में मैं सबसे पहले गाजर डाल दूंगी, ये मैंने गाजर के पीसेस डाल दिए, पुदीना, कटी हुई अदरक, आंवला, बीटरूट, टमाटर और कटे हुए खीरे। और अब हम जूसर की हेल्प से इसका जूस निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने जूस निकाल लिया है, अब इसको एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी मैजिकल ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। अगर हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, फेयर स्किन चाहिए, इंटरनली ऐसी स्किन चाहिए हमें अंदर से अच्छा फील करवाए और हमारी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करे, तो डेली डेली बेसिस पे अगर हम वेजिटेबल जूस को पीते हैं तो हमारी स्किन में एक अच्छा ग्लो आता है, एक फेयरनेस आती है। साथ साथ में ये ना कि स्किन के लिए ही काफी अच्छा है, ये डिटॉक्स डाइट की तरीके से भी लिया जाता है। इनके जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो लोग डेली बेसिस पे वेजिटेबल जूस को पी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा फाइबर कंटेंट है, इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छे हैं और हमारे बॉडी बॉडी को क्लेंज भी करते हैं। तो इस वेजिटेबल जूस को आप डेली बेसिस पे पी सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है इसको ब्रेकफास्ट में पीने का, आप डेली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पर इसको आराम से निकाल के पी सकते हैं। हार्डली 1 से 2 मिनट लगेगा आपको इसको प्रिपेयर करने में एंड आपको ओवरऑल 1 से 2 मिनट के अंदर आपको ओवरऑल एक बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी। सो फ्रेंड्स होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।